हेलो एवरीवन, 14 फरवरी को सब वैलेंटाइन मनाएंगे, लेकिन हम मनाएंगे बसंत पंचमी। इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है और उन्हें पीले रंग का भोग लगाया जाता है। तो आज हम बनाएंगे रवा केसरी, जिसे केसरी भात भी कहा जाता है। चलिए इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पैन में घी डालकर गर्म कर लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए काजू। इन्हें हम यहाँ पर 20 से 25 सेकंड के लिए अच्छे से भूनेंगे। काजू देखिए हल्के से भून चुके हैं, तो इसमें ऐड कर दीजिए ये किशमिश। इन्हें भी हम साथ में भूनेंगे। काजू देखिए भून चुके हैं और किशमिश भी देखिए भूनकर फूल गई है। इन्हें निकाल लीजिए। अब इसी पैन में हम भूनेंगे सूजी। तो सूजी को हम यहाँ पर 8 से 10 मिनट के लिए तसल्ली से भूनेंगे। हमें सूजी को देखिए अच्छे से भूनना है, लेकिन इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसे एकदम लो फ्लेम पर भूने ताकि सूजी जो है वो कच्ची ना रहे। सूजी से देखिए भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। ये बढ़िया से भून चुकी है, तो इसे साइड में रखते हैं। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई। इसमें डाल दीजिए पानी। पानी हम यहाँ पर सूजी का 3 गुना लेंगे, मतलब हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी डाली थी, तो 3 कटोरी पानी डाल दीजिए। इसके साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। पहले पानी को गर्म करेंगे। पानी देखिए उबलने लगा है, तो इस स्टेज पर इसमें डाल देते हैं ये भुनी हुई सूजी। अच्छे से इसको मिक्स करें। अब इसे हम यहाँ पर ढककर 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि सूजी जो है वो सारा पानी सोख कर ले और ये अच्छे से फूलकर सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखिए सूजी ने सारा पानी सोख कर लिया है और ये फूल भी गई है। अब इसमें डाल दीजिए स्वाद के अनुसार चीनी। अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो ये देखिए चीनी जो है वो बढ़िया से घुल चुकी है और इसने पानी भी छोड़ दिया है। तो इसे हम यहाँ पर और पकाएंगे। इसके साथ में ऐड कर दीजिए देसी घी, केसर। केसर को मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दूध में भिगोकर रखा था। इनके साथ में ऐड करेंगे इलायची पाउडर और ये गुलाब जल। अच्छे से मिला लें सभी चीज़ों को। थोड़ा सा घी और डाल दीजिए। कलर के लिए देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ केसर का ही यूज़ किया है, लेकिन आप चाहो तो आप यहाँ पर फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे, जिससे हलवा जो है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इसमें बढ़िया सी ग्लेज भी आएगी। हलवा देखिए बढ़िया से पक गया है और इसने कढ़ाई छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो लास्ट में डाल देंगे इसमें थोड़ा सा घी और ये भुने हुए ड्राई फ्रूट्स। मिला लेंगे इन्हें अच्छे से। तो टोटल हमने देखिए यहाँ पर 1/2 कप घी यूज़ कर लिया है। रवा केसरी में देखिए घी और चीनी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। तो ये रवा केसरी हमारा तैयार है। चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मुंह में घुल जाने वाला ये रवा केसरी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप द फ्लेम ऑन।